can I get a shave in keep please? Mia, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं. Five star hotel jaisa bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार. आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण किया जिसके कारण वह आपने कुछ दिन से आप सुन रहा है पूरा डेली टेलीग्राम में दिया है कि अंडमान निकोबार का जो नाम रीनेम किया गया है. ये रीनेम जो बीजेपी सरकार द्वारा ये किया गया है इसको हम खंडन करते हैं, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो नाम है ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये ऐतिहासिक नाम है. ऐतिहासिक नाम को जो है आज इन्होंने इन सरकार द्वारा बदला गया, तो इसलिए ये खंडन करता है कि ऐतिहासिक को मत बदलिए. ये कोई भी अंडमान निकोबार वासी इसमें राजी नहीं होगा, और हम तो कथा ही राजी नहीं है, क्योंकि क्यों बदलेगा, बदलने से क्या होगा. आज नाम को बदल दिया, कुछ बना है क्या अंडमान में? कुछ तो बना नहीं. आज इतना बड़ा समस्या इस अंडमान निकोबार में चलता है. आप मेडिकल में जाइए, ये जीवीपन में जाइए, ज्यादा दूर नहीं है. एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन काम नहीं करता है, सीटी स्कैन मशीन काम नहीं करता है. कितना हजारों पेशेंट जो दूर दराज से आता है, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना यहां पे एडमिट रहता है एमआरआई करने के लिए. लास्ट में वो बेचारा डिचर्स लेके जाना पड़ता है. नाम बदलने से इसको सुधारा है, ये सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा. आज आप NH4 का परिस्थिति देखिए. आज NH4 में MP जीतने के बाद, इलेक्शन का बाद कुछ काम नहीं हो रहा है. यहां पे MP महोदय उनके सरकार नाम बदलने में लगा है. आज हर घर में बेरोजगार युवा एक दो तीन आप देखने मिलेगा. आज 7,000 वैकेंट पोस्ट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास में है, तो वैकेंट पोस्ट को जो है फिलअप नहीं किया जा रहा है. लेकिन इधर में बीजेपी सरकार और उनके साथी मिलकर अंडमान निकोबार का नाम बदलने जा रहा है. क्या होगा इस द्वीप का, क्या परिस्थिति होगा? आज अंडमान का जमीन का स्टेटस क्या है? आज एक टुकड़ा जमीन को अब हाउस साइट में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है. और आज पूरा अंडमान निकोबार में रजिस्ट्रेशन बंद है, सारा प्रक्रिया बंद है. क्या हो रहा है यहां में? बीजेपी सरकार वहां भाई लुटता है कि भाई हम अंडमान का नाम चेंज कर दिए. अंडमान का युवा को कुछ हुआ? इससे अंडमान का
निवासी क्या हासिल किया है, ये हमारा बीजेपी बंधु से हम जानने चाहता है, बीजेपी सरकार से हम जानने चाहता है। अंगनमन का नाम हम बदला है, अब बदलने जा रहा है, इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक तरफ में तो देखा है कि श्री विजयपुरम नाम रखा है, लेकिन उनका ही एमपी ये बोल रहा है कि भाई भारतपुरम, श्री भारतपुरम। हम बोले भाई ये क्या बात है, क्या फिर दोबारा रीनेम किया गया है क्या? एमपी सर बोल रहे हैं कि श्री भारतपुरम, यहां पे डेली टेलीग्राम हर जगह में श्री विजयपुरम, ये दो किस्म का नाम जो दिखाई देता है। आप सोच के देखिए, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ऐसा ये काम करने जा रहा है। कि हम दुखी हैं, बहुत अंडमान निकोबार के निवासी सारे भाई बहन, सारे बुजुर्ग, ये जो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है, इसके लिए बहुत दुखी है, और कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाला नहीं है, जरूर आवाज उठाएगा। जब तक ये नाम नहीं बदलेगा तब तक हमारा संघर्ष चलेगा। धन्यवाद। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि काफी दिनों से चर्चा है, हमारे पोर्टलर सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है, निसंदेह बड़ी शंका होती है कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से, एक ट्रेडिशन चला उनका, भले काम ना करो लेकिन नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से क्या होता है, आदमी का काम देखा जाता है, नाम नहीं। आप लोगों का, अंडमान के लोगों का एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, जब से भारत आजाद हुआ पोर्ट ब्लेयर सिटी का नाम से अंडमान के लोगों का एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, उस सेंटीमेंट्स को मारने का काम किया गया ये भाजपा सरकार द्वारा। कई लोगों ने फोन किया, बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आवाज उठाना चाहिए, आप लोग कुछ बोलिए, क्योंकि रात को हम लोग को नींद नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों का सोचना है, क्योंकि कई दिनों से जब हम छोटे थे, हम बचपन से हम लोग बोल रहे पोर्ट ब्लेयर सिटी, पोर्ट ब्लेयर सिटी, अचानक से आप अगर नाम बदल दिए। पिछले दिनों जब देखा तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर, अरे क्या साबित करना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? यहाँ नौकरी का समस्या है, बिजली का समस्या है, रोड का समस्या है, हर तरफ समस्या। हमारे बेरोजगार युवा रोड में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ लिख कर बैंक से लोन लेकर एयरपोर्ट में गए तो वहां पर इतना पैसा उनको भुगतान करना पड़ता है। तो ये मतलब ये दुख कहां जाके बोलेंगे, अपने अंडमान में जीने के लिए हम लोग क्या मरना और सेक्रीफाइस करना? हम लोग एक तो अंग्रेजों से हम लोग लड़ के आए, देश को छीन के लाए, अब इनसे लड़ना हम लोग? इतना दुख लगता है और हंसी आता है कि हमारा माननीय सांसद महोदय बोल रहे हैं कि ये भारतपुरम हो गया, तो ये मतलब ये जोक जैसा, उनको यही नहीं पता कि क्या नाम रखा गया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि भाजपा सरकार को चाहिए, आप सत्ता में हैं, आपका एमपी है, आपको चाहिए लोगों का सेंटीमेंट्स को समझे। यहाँ बहुत सारे इश्यूज है, हेल्थ इश्यू है, एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है, मेडिकल में डॉक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, कहीं स्पेशलिस्ट नहीं है, इसका बारे में क्या जानकारी नहीं है हमारे एमपी साहब को? इसका बारे में क्या सरकार को पता नहीं है? लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, जिसका पास पैसा है भाई वो प्राइवेट में जाएगा, जिसका पास पैसा नहीं है जीबी पंथ में जाएगा, अपना जान गंवाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि प्रशासन को जब ये नाम बदलना था तो कम से कम पब्लिक डोमेन में लाते, पब्लिक का राय पूछते। अंडमान का लोग सिर्फ वोट देके क्या चुनने के लिए है क्या? अंडमान का लोगों का हक है हर चीज में पूछना चाहते, अंडमान का लोगों का आवाज है। हम पूछते हैं कि आपने ये नाम कैसे बदला, जब अंडमान का लोगों का सेंटीमेंट उससे जुड़ा हुआ है, रात भर नींद नहीं आता, एक नाम चला आ रहा, अचानक से नाम बदल दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आपने किसी से पूछा नहीं, आपने किसी से सलाह नहीं लिया, ना कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से आपने पूछा, आपने साइन किया और नाम बदल दिया। तो मतलब हम जो सोचेंगे, जो डिक्टेटरशिप, जो मनमानी हम सोचेंगे वही करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी, अपना धरना करेगी और अपना आवाज को बुलंद करेगी जब तक ये नाम बदला नहीं जाएगा। बीच में स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप करके क्या वहां हासिल हुआ? क्या लोगों को नौकरी मिल गया? क्या लोगों को और कुछ मिल गया?
तो ये इनका क्या पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये नाम बदलने का उनका ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं ना भाजपा सरकार, इसमें मेरे को कुछ नहीं समझ रहा और अंडमान का लोगों को भी नहीं समझ रहा। जो चीज के लिए एमपी को चुना, केंद्र में सरकार आया, ठीक है परिवर्तन होता है, लोग परिवर्तन करते हैं, हम भी मानते हैं परिवर्तन किया, लेकिन कुछ काम तो करके दिखाओ। आप देश को हिंदू मुस्लिम का नाम पे तोड़ रहे हैं, आप देश को मजहब और जाति का नाम पे तोड़ रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं ये तो क्लियर करो। आप नाम बदल देंगे तो सब कुछ थोड़ी बदल जाएगा, जो इतिहास उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं जो नाम ये बदला गया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इसका खंडन करती है, और जब तक ये नाम वापस नहीं लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। और सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, आभार, थैंक यू, जय हिंद। बहुत बड़ा अजीब किस्म का एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया, पोर्टब्लेयर शहर का नेम चेंज, पोर्टब्लेयर से लेके श्री विजयपुरम, एक नाम चेंज का क्या जरूरत है? पोर्टब्लेयर एक ऐतिहासिक नाम था, हम आज नाम चेंज करके क्या अचीव किया है? आज ये जो इंपैक्ट जो क्रिएट कर रहा है लोगों को जो मन में है, बहुत बड़ा इंपैक्ट, आप देखा होगा जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सारा जन अपोज कर रहा है, क्योंकि ये क्या थॉट प्रोसेस है गवर्नमेंट का हमको समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट सारा जगह में फेल हुआ, अंडमान का इसमें सड़क में फेल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में फेल हुआ, पानी में फेल हुआ, एजुकेशन में फेल हुआ, एम्प्लॉयमेंट में फेल हुआ, अभी इन लोग हमारा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये मुद्दा को उठा के एजिटेशन कर रहा है, अभी नाम चेंज को हम लोग अपोज करके एजिटेशन करेगा, बाकी सब मुद्दा हम लोग भूल जाएगा। ये बहुत बड़ा एक साजिश है गवर्नमेंट का। देखिए कोई प्लेयर का नाम कैसा आया, 1769 में लेफ्टिनेंट ब्लेयर ये पूरा आर्चिबलो को पूरा सर्वे किया, पूरा सर्वे करके आज भी वो सर्वे जो है वैलिड है, आज भी जो डेप्थ सर्वे किया है, आज भी जो जो बैरिंग्स किया है वो सब आज भी वैलिड है, आज भी हमारा शिपिंग आदमी उसी को यूज कर रहा है। हमारा 572 आइलैंड्स है, मान लीजिए उसमें आधा के ऊपर अंग्रेजी का नाम है, सबको चेंज कर दो, आप बोलेगा कि मेरा अब्बा का नाम भी आधार कार्ड पे चेंज करेगा, सब चेंज करो आप लोग, आपका मर्जी है। आप बताइए ये लेफ्टिनेंट ब्लेयर जो है कोई अंग्रेज का मूवमेंट में नहीं था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में उसका एक नेगेटिव रोल नहीं था जैसा जनरल डायर का था, एक टेररिस्ट था जनरल डायर, एक एकदम टेरर, उसका नाम कहीं में आया तो चेंज करो। ये लेफ्टिनेंट ब्लेयर का कोई रोल नहीं था, वो ही डिस्कवर्ड दिस आइलैंड इवन बिफोर ये आइलैंड अंडमान के साथ जोड़ा था, उस टाइम ये इंडिया के साथ, सर इंडिया के साथ जोड़ा नहीं था, ये अंडमान अलग ब्रिटिश आके इधर में पीनल सेटलमेंट किया है, उसके बाद एक बड़ा एक ऐसा एक ये चला कि अंडमान को इंडिया का साथ जोड़ना, कि इंडोनेशिया के साथ जोड़ना, कि बर्मा का साथ जोड़ना और इंग्लैंड के साथ रखना। अंडमान में जो इंडिया का जो फ्रीडम फाइटर्स जो था सेटल हुआ, इन लोग बोला नहीं अंडमान इंडिया का साथ जोड़ना है, वैसा जोड़ा है। नेहरू से हम लोग अभी इंडोनेशिया के साथ रहता था, नेहरू से बर्मा के साथ रहता था, हमारा फ्रीडम फाइटर्स जो ये किया, आप इतिहास चेंज करने मनता, आप इतिहास को चेंज करने मनता, बहुत बड़ा एक गलती आप हो रहा है। आप नाम चेंज करके पता ये बहुत बड़ा करप्शन है, नाम चेंज करने से आपको आधार कार्ड में चेंज करना, आपका पासपोर्ट में चेंज करना,
आपका आईलैंडर आईडी कार्ड चेंजना, पैन कार्ड चेंज करना भाई, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप सब में चेंज करना। एक पुअर आदमी, एक गरीब आदमी जो गांधीनगर और गणेश नगर में रहता है, आप सोचिए वो उसका क्या तकलीफ होगा कि वो नाम चेंज एक डॉक्यूमेंट में चेंज करने में। आप बोलेगा नहीं नहीं ऑनलाइन है, उधर में तो ऑनलाइन तो है ही नहीं, वो आना पड़ेगा डिगलीपुर। इवन डिगलीपुर में रहने वाला का आप सोचिए, इतना डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कितना है अपना राशन कार्ड, इतना चेंजेस, आप क्या जरूरत था। ये गवर्नमेंट अपना फेलियर को छुपाने के लिए ये कर रहा है, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं था। ओके, एक बात है, श्री विजयपुरम का क्या सिग्निफिकेंस है, आप नाम रख दिया श्री विजयपुरम, बस निकलेगा केरलपुरम से, केरलापुरम तो विजयपुरम है, तो नाम चेंज आप क्या अर्थ किया है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये नाम चेंज का सिग्निफिकेंस विजयपुरम का क्या है। कोई बोलता है कि वो टाइम में वो चोला का किंग आया, चोला का किंग आया नहीं है पोर्टलर में, चोला किंग का प्रवेश हुआ निकोबार में, उसका निकोबार का पुराना नाम था नक्कवरम, नक्कवरम करके रखा था क्योंकि उधर में इन लोग से नंगा था। आज आप जाके निकोबार का नाम चेंज करके दिखाइए, आज आप निकोबार का नाम चेंज करके दिखाइए, इतना बड़ा एक ये तो जुमला गवर्नमेंट है, जुमला ही गवर्नमेंट है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि ये जो प्रपोजल आप लोग किया है, मालूम नहीं कितना 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 जगह से आपको ये समर्थन मिलेगा, कोई अंडमान निकोबार के आदमी से ये समर्थन नहीं मिलेगा। ये माननीय उपराज्यपाल जी कुछ नहीं किया 7 साल में, खाली नामकरण चेंज, नामकरण किया, वो 10 आइलैंड कुछ नाम्स चेंज किया, कोई फ्रीडम फाइटर्स का नाम है, बहुत अच्छा बात है, सही दिया हुआ इसमें किया और बहुत अच्छा बात है। विजयपुरम क्यों है, आप कोई अच्छा सॉलिड फ्रीडम फाइटर का नाम है आप चेंज करो, जैसे हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड चेंज किया, आप स्वराज द्वीप किया समझ में नहीं आता, शहीद द्वीप किया वो द्वीप में कौन शहीद हुआ हमको मालूम नहीं है, वो तो सेटलमेंट है, ईस्ट बंगाल का सेटलमेंट है। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से इसका कड़ी विरोध करते हैं और आगे जाके हम लोग कुछ भी कार्यवाह करेगा, कुछ भी इसका इफेक्ट होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कैसा चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन, पब्लिक का जो मूड को, पब्लिक का मूड क्या है भाई, करंट नहीं है 10-10 घंटा, पानी 3 दिन में एक बार आ रहा है, सड़क तो ऐसी मतलब ये आप मिडिल नॉर्थ का रोड का देखा हालत, वो प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा घर में बैठा है, नौकरी नहीं मिलता, डेली रेटर में कहीं के काम करता, ये सब इश्यूज को अभी डाइवर्ट कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी होने दीजिए, बाकी पार्टी होने दीजिए, बाकी सब मुद्दा छोड़ देगा, यही तो आप चाहता है, यही तो आप चाहता है। आपका जो फेलियर है ये नाम है, ये विजयपुरम आपका फेलियर का एक ट्रेडमार्क है आपका। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको विरोध करता है और आगे जाके हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके उसको रिलीफ हम लोग अभी आजकल तो जितना तक हमको मालूम है सारा रिलीफ तो कोर्ट से मिलता है। आप देख रहे हैं रोज आपको कोर्ट का एक रूलिंग है, ये आदमी को अंदर डाल दिया कोर्ट बाहर निकालता, ये कुछ रूलिंग दिया कोर्ट इसको विरोध करता, यही होता है। तो हम लोग भी और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये तमिल में एक कहावत है, सेवडंगादर संग उदर हमारी, सेवडंगादर संग उदर हमारी, जो बेरा उसका बीन बचाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, ये हमारा एलजी हुआ है, हमारा प्रशासन हुआ है,
और इसको ऊपर हम पूरा काम पूरा सारा पार्टी सारा संस्था सारा ऑर्गेनाइजेशन हम आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं सारा ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिव नहीं है हमारा, ये आइलैंड का इश्यू है। सो कोई भी संस्था आप कोई भी संस्था इनिशिएटिव लेगा हम भाग लेगा, हम आगे भाग लेगा, ऐसी ही आप लोग भी मेहरबानी करके भाग ले लीजिए। धन्यवाद।